सभी स्टूडेंट्स, आप सबको जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, डिबेट्स में, पोइम्स में, गिद्दा नाटक, उसके माध्यम से जो संदेश आपस में बांटा है और जिस संदेश आपके द्वारा जो सोसाइटी में जाएगा, मैं आशा करती हूँ कि इस संदेश के माध्यम से हमारी समाज में महिलाओं को जागरूक और पुरुषों को महिलाओं के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना जागृत होगी। हम उस समाज में, उस देश में जीते हैं जहाँ हर एक कार्य की शुरुआत कन्या पूजन से होती है। आप सबको पता है हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, क्योंकि ये मात्र एक ही देश है पूरे विश्व में। यहाँ हर एक शुभ कार्य कन्या पूजन से होता है। कब कब दुर्गा ने रूप लिया, माँ काली का, चंडी का, किन किन असुरों का संहार किया, शक्तियों ने, तो अपने आप में प्राउड फील होना चाहिए कि स्त्रियां ईश्वर की ऐसी देन है कि इसमें प्रभु को भी मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। She come here, she participated our function and make it successful. Today we are celebrating this Women Day, International Women Day. लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कि International Women Day की तो किसी ने बात ही नहीं की। ये आपने इंटरनेशनल की बात नहीं की, आप हिंदुस्तान में ही घूमते रहे, हिंदुस्तान में घूमते रहे आप। रही बात हमारी हिंदुस्तान की, हमारी सभ्यता की, हमारे धर्म की बात, हमारे सनातन की बात, महिला को हमेशा यहाँ पूजने रही है। आज भी हम जब कभी कोई काम शुरू करते हैं, पढ़ाई का काम शुरू करते हैं, तो सरस्वती माता की पूजा करते हैं, पहले कला खूबियाँ उनसे मांगते हैं। अगर हमें धन की कमी पड़ जाती है तो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर कभी ताकत की कम डरते हैं, निडर होने के लिए माता दुर्गा की पूजा कर देते हैं, हम करते हैं सारी बातें। और जैसे ही किसी बात को नेगुलर करना हो, किसी काम को शुरू करना हो, तो हम देवियों को पूजते हैं, वहां पे कन्याएं वंदना कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में कभी भी स्त्री अबला नहीं रही है, कभी भी उसका विस्तार नहीं हुआ है। और जैसे ही बच्चियां बड़ी होती हैं, वो जबरन उनसे निकाह कर लेते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं, उसी भय के कारण, उसी डर के कारण मुगलों से डरने के लिए लोग अपनी बच्चियों को मार दिया करते थे। अदरवाइज और कोई फैक्टर नहीं था कि वो कोई तंगी की वजह से मारते थे या लड़की को अपना बोझ समझते थे। महज एक उन्होंने अपना वो इज्जत का वो इशू बना लिया था कि अगर ऐसा हमारे साथ होगा तो हमारा परिवार, हमारी इज्जत, सब कुछ नष्ट हो जाएगा।